पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे व्हाई डू वी नीड फूड, जब खाने हम लोग खाना क्यों जरूरत पड़ता है। इसके बाद में क्या पढ़े थे कि फूड कहाँ से आता है, फूड प्लांट्स और एनिमल्स से आता था। तो प्लांट से क्या क्या आता था, तो पोटैटो, कैरोट, ओनियन, उसके बाद में कुछ सीड्स और ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, ग्राम एंड बीन्स था। उसके बाद में कुछ फ्रूट था, कुछ फ्रूट हमारा क्या था, एप्पल्स था, मैंगो था, ग्रेप था, बनाना था, और कुछ प्लांट्स का लीव्स भी था जैसे कोरिएंडर, कैबेज, स्पिनच था। एनिमल से क्या क्या हम लोग को मिलता था, मिल्क, हनी, मीट, एग्स मिलता था हम लोग को एनिमल से। अब देखिए फूड ग्रुप्स, फूड ग्रुप्स फूड को तीन भाग में बांटा गया, ऑन द प्रेसिस ऑफ किस चीज में बांटा गया हुआ है, तो हम लोग को मतलब उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी मिलता है उसके तीन में बांटा गया हुआ है। एक तरह का फूड है जो हम लोग क्या करता है, एनर्जी लेता है। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हम लोग को बढ़ने में हेल्प करता है शरीर के बढ़ने में, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, जो स्ट्रांग और हेल्दी रखता है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहला फूड गिव्स अस एनर्जी, तो जो फूड हम लोग को एनर्जी देता है, एनर्जी में क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो जो फूड हम लोग को एनर्जी देता है उसमें जैसे कुछ है, क्या है, राइस है, ठीक है, पोटैटोज है, आलू जो है, मिल्क है, बटर है, मक्खन, तेल है, घी, ब्रेड, चपाती, ये सब क्या है हम लोग को एनर्जी देता है वर्क एंड प्ले के लिए, मतलब कुछ क्या करने के लिए, हम लोग को खेलने के लिए और कोई काम करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है वो हम लोग के ग्रोथ में हेल्प करता है, शरीर के विकास में हेल्प करता है। जैसे कुछ है, दाल है, फिश है, एग्स है, मीट है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट जैसे दही है, ये सब क्या करता है हम लोग को शरीर को, शरीर का विकास होने में हेल्प करता है और हम लोग को हेल्दी रखता है, क्या रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। अब देखिए फूड दैट कीप्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी, ये क्या था, फूड दैट जो हम लोग को क्या करता है, स्ट्रांग और हेल्दी रखता है, मतलब हेल्दी ये भी रखता है लेकिन ये क्या था, स्ट्रांग मजबूत बनाता है शरीर को, क्या करता है, मजबूत बनाता है। जैसे उसमें क्या है, हम लोग को फ्रूट्स लेना चाहिए, खाना के ऊपर से क्या लेना चाहिए, और भी खाना तो खाते हैं हम लोग लेकिन फ्रूट्स भी लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये सब हम लोग मजबूत रखता है और ये भी हेल्दी रखता है, बोले जिस तरह वो सब भी है लेकिन ये सब भी क्या है, ऊपर से हम लोग को हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ये हमको क्या करता है, स्ट्रांग एंड हेल्दी भी रखता है। वी मस्ट हैव इट रेगुलर, हमको क्या करना चाहिए, हमको अवश्य है लगातार डेली क्या करना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन है जिससे आई साइट प्रॉब्लम क्या होता है, जो जिससे आँख खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, लीफी वेजिटेबल्स है जरूर लीजिए, आँख आँख खराब होने में क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए क्योंकि वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारे है ना आई साइटनेस को बढ़ाने में, मतलब अच्छा कर देता है हम लोग को, ठीक है। तो यही सब था फूड ग्रुप, जैसे एनर्जी गिविंग फूड था, ग्रोइंग फूड था, बॉडी ग्रोइंग फूड, उसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स थे जो हम लोग स्ट्रांग एंड हेल्दी रखते हैं, ऐसा नहीं कि ये सब नहीं रखते, ये सब स्ट्रांग एंड हेल्दी रखते हैं लेकिन ये ज्यादा हम लोग को हेल्पफुल है स्ट्रांग एंड हेल्दी रखने, जिससे हम लोग को तबियत खराब होता है तो खाना तो हम लोग डेली खा रहे हैं, खाना से हम लोग का रिकवरी हो भी जाएगा, खाना हम लोग ठीक कर ही देगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब तबियत खराब होता है तो फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब लेते हैं, क्या करें हम लोग जल्दी ठीक हो जाए। तो यही बात है यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से सब कुछ नोट करके पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।